वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएफआरएस 15 की एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 22 है उसकी बेस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल 22 लिमिटेड है। क्वेश्चन का डाटा है कि एन एंटिटी एंटर्स इनटू 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 31 दिसंबर 2017 विद कस्टमर्स। ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द सेल ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ₹100। यानी 100 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट में एक सिंगल प्रोडक्ट हम कस्टमर को दे रहे हैं जो कि ₹100 की है। सो इट मीन्स कि 100 टोटल प्रोडक्ट्स इंटू ₹100 वुड बी ₹10,000 जो टोटल कंसिडरेशन हमें इसकी रिसीव होगी। कैश रिसीव एंड कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट ट्रांसफर्स, यानी जिस दिन हम कस्टमर को देते हैं प्रोडक्ट और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है उस दिन कैश रिसीव कर लेते हैं। एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस इज टू अलाउ अ कस्टमर टू रिटर्न एनी अनयूज प्रोडक्ट विद इन 30 डेज। तो 31 दिसंबर 2017 से ये टाइम बनता है 30 जनवरी 2018 तक। एंड रिसीव अ फुल रिफंड, यानी जो टोटल पैसे हैं हम पूरे ₹100 उस कस्टमर को वापस कर देंगे। एंटिटीज कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज ₹60, हमारी कॉस्ट 60 है और हम सेल 100 पे करते हैं। यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट 97 प्रोडक्ट्स विल नॉट बी रिटर्न, यानी 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिटर्न होने की एक्सपेक्टेशन है और बाकी 97 की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस बेसिस पर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट्स विल बी इमटीरियल एंड एक्सपेक्ट्स दैट द रिटर्न प्रोडक्ट्स कैन बी रिसोल्ड एट अ प्रॉफिट। यानी जो प्रोडक्ट वापस आती है वो दोबारा प्रॉफिट पर सेल की जा सकती है और प्रोडक्ट को वापस लाने में कोई ऐसे कॉस्ट नहीं इनकर होती जो कि काफ़ी मटीरियल या बड़ी हो, यानी मामूली सी कॉस्ट है। रिक्वायर्ड हैं जर्नल एंट्रीज और 3 पार्ट्स हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिससे हमें ये क्लियर होगा कि हमें डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए। क्योंकि पार्ट ए है कि 3 प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन जनवरी 30, 2018, यानी जैसे हमने सोचा था कि सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स रिटर्न होंगी उतनी ही रिटर्न हुई। सेकेंड पार्ट है कि 2 प्रोडक्ट्स आर रिटर्न ऑन जनवरी 30, 2018, यानी जो हमने 3 प्रोडक्ट सोची थी उससे कम रिटर्न हुई एक्चुअली। और सी पार्ट है कि 4 प्रोडक्ट्स आर रिटर्न, यानी जितनी हमने सोची थी उससे ज़्यादा हुई। तो जो ऑल पॉसिबल सिनेरियोज हैं कि जैसा हमने सोचा हो वैसा हो जाए, उससे कम रिटर्न हो जाए या उससे ज़्यादा रिटर्न हो जाए, तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। तो पहले हम वो एंट्रीज पास करेंगे जो हमें रेवेन्यू की पास करनी चाहिए, उसके बाद हम पार्ट ए बी सी की जो एंट्रीज बनती हैं उनको रिफ्लेक्ट करेंगे। सो आंसर स्टेब्लिश करते हैं और इसमें जो है तमाम सिचुएशन चाहे पार्ट ए हो बी हो या सी हो, इनिशियल सेल्स की एंट्री तो सेम ही रिकॉर्ड होगी सबके सामने। तो जर्नल एंट्रीज का हम फॉर्मेट बना लेंगे और 31 दिसंबर 2017 जब हमारी सेल्स हो रही है तब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि 100 आइटम्स हैं और ₹100 की प्रोडक्ट है। तो जो टोटल हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं वो 10,000 है। 97 आइटम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस नहीं होंगे और 3 आइटम्स बाकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस हमें हो जाएंगे और हमें उसके पैसे रिफंड देना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारी एंट्री ये होगी कि हम कहेंगे कि बैंक को डेबिट किया जाए बाय 10,000 जो हमें पैसे रिसीव हुए। रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 97 प्रोडक्ट्स का, क्रेडिट कर देंगे 9700 से। और जो 3 प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस आ जाएंगी उनको हमने लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करना है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 प्रोडक्ट वापस आएंगे उनके बदले हमें ₹300 वापस पे करने पड़ेंगे, जो रिफंड करने पड़ेंगे। तो उस पर हम 300 की जो अमाउंट है उसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब साथ के साथ ये समझने के लिए कि मैचिंग कॉन्सेप्ट हम कैसे फॉलो करते हैं, हम यहाँ पर ये एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि हम परपेचुअल इन्वेंट्री को फॉलो कर रहे होंगे। तो अब जिस तरह से हमने रेवेन्यू 97 प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड किया है तो हमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो भी 97 प्रोडक्ट के रिकॉर्ड करनी चाहिए और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्वेश्चन में ₹60 गिवन है। तो क्योंकि हमने 97 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी हम 97 इंटू 60 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। दैट वुड बी 5820।
जो प्रोडक्ट हमारे पास हमने जिसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएगी, उसका हम रेवेन्यू के बजाय लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास तीन प्रोडक्ट जो हैं वो कॉस्ट पर हमारा एसेट दोबारा बन जाएंगी, जिसे हम डिफरेंट नाम दे सकते हैं, कोई भी जो मुनासिब लगे। ज़्यादातर ये कॉमन है कि हम इसे राइट टू प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। तो तीन प्रोडक्ट्स को हम राइट टू प्रोडक्ट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे, 180। और फॉर द टाइम बिंग हमारे पास से हमारी इन्वेंट्री में से पूरे 100 यूनिट 60 के हिसाब से चले गए हैं, तो 6,000 से इन्वेंट्री हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तो हमारी एंट्री 31 दिसंबर 2017 को पास होनी है, चाहे बाद में जाकर जो 30 जनवरी है उस पर जाकर प्रोडक्ट्स तीन वापस हों, दो वापस हों या चार वापस हों, कुछ भी हो, ये सेम सिनेरियो हमारा अप्लाई हो रहा होगा। अब हम सिनेरियो लेते हैं पार्ट ए के, अगर तीन प्रोडक्ट्स ही रिटर्न होती हैं तो क्या होगा? दैट वुड बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऑन 30 जनवरी 2018 अगर तीन प्रोडक्ट ही वापस होती हैं तो हम पेमेंट कर देंगे उन तीन प्रोडक्ट्स की और हमारा बैंक 300 से क्रेडिट हो जाएगा। और जब हमने पैसे वापस कर दिए तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमने ऊपर रिकॉर्ड की हुई थी 300 की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक एंट्री तो ये हो जाएगी। उसके बाद इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करें तो जाहिर बात है हमारे पास जो है तीन आइटम वापस भी आ जाएंगे। तो तीन आइटम जो वापस आएंगे, तीन आइटम्स की वैल्यू 3 × 60 180 ही बनती है। तो इन्वेंट्री हमारी 180 से बढ़ जाएगी और ये जो हमारा राइट टू प्रोडक्ट का हमने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था, ये एसेट हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि अब हम ये वापस ले चुके हैं। तो पार्ट ए की सिचुएशन में जैसा हमने सोचा था कि तीन प्रोडक्ट के पैसे देने पड़ेंगे, तीन प्रोडक्ट वापस मिल जाएंगी, वही हुआ कि तीन प्रोडक्ट के पैसे देने पड़े और तीन प्रोडक्ट हमें वापस मिल गए। अब पार्ट टू की तरफ चलते। पार्ट टू ये है कि सिर्फ दो प्रोडक्ट्स रिटर्न हुई। हमने सोचा था कि 97 रिटर्न नहीं होंगे, 98 रिटर्न नहीं हुई। सो पार्ट बी के अंदर अगर हम इम्प्लीकेशन करते हैं इसकी और जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो अब हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ दो प्रोडक्ट अगर रिटर्न होती हैं, अगर सिर्फ दो प्रोडक्ट रिटर्न होती हैं तो हम तो रेवेन्यू 97 का रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमें अब रेवेन्यू जो है एक प्रोडक्ट का और रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और दो प्रोडक्ट का कैश हमें वापस करना पड़ेगा। अच्छा, अब जिन प्रोडक्ट्स का कैश हमें वापस करना पड़ेगा पहले वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। 200 हमने वापस कर दिए और एक प्रोडक्ट का मजीद रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड कर लिया और हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है ऑन 30 जनवरी 2018 वो तीनों प्रोडक्ट्स की खत्म हो गई, क्योंकि दो के हमने पैसे दे दिए और एक जो है वो उसका हम हमारा अब रेवेन्यू बन चुका है। एट द सेम टाइम इन्वेंट्री के परस्पेक्टिव से ये होगा कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो 2 यूनिट्स आएंगे, तो 16 × 2 = 120। एक यूनिट जिसका हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है उसकी अब हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड करनी होगी ताकि अकाउंटिंग में मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाए। और जो हमारा राइट टू प्रोडक्ट था वो तीनों यूनिट का खत्म हो गया, दो वापस मिल गए और एक सेल हो गया। तो ये पार्ट बी की सिचुएशन है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये देखेंगे कि हमने 97 यूनिट्स का रेवेन्यू पहले रिकॉर्ड किया था, एक का रेवेन्यू बाद में रिकॉर्ड कर लिया। 97 की कॉस्ट पहले रिकॉर्ड की थी, एक की कॉस्ट बाद में रिकॉर्ड कर ली। तो ये पार्ट बी की सिचुएशन है। पार्ट सी को देखते हैं। तो फोर प्रोडक्ट्स अगर रिटर्न हो जाती हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी, उसको हमने यहां पर अप्लाई करना है। तो पार्ट सी सॉल्व करते हैं। थर्टियथ जनवरी 2018 तो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ 97 प्रोडक्ट्स का और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ तीन वापस होंगी और उनके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली हमें पैसे जो हैं वो चार के देने पड़ गए। तो 400 से अमाउंट हमारी क्रेडिट हो गई। रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर चुके थे 97 का, जबकि हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था 96 का, क्योंकि चार चीज़ें वापस हो गई हैं। तो रेवेन्यू की एडजस्टमेंट कर देंगे और 100 से हम अपना रेवेन्यू रिड्यूस कर देंगे एडजस्ट करके। तो 100 से रेवेन्यू को डेबिट कर दिया।
हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है वो 300 की थी और वो अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि या तो हम रेवेन्यू रिवर्सल कर चुके हैं उसके अगेंस्ट, या जो गुड्स के पैसे देने थे वो हम वापस कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारी रेवेन्यू एडजस्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसको भी हमें एडजस्ट करना चाहिए और इम्पैक्ट लेना चाहिए। अब इन्वेंट्री में हमारे पास चार आइटम आ गए हैं, क्योंकि 60 के हिसाब से चार आइटम वापस हुए, दैट वुड बी 240। क्योंकि हमने रेवेन्यू रिवर्स किया है एक प्रोडक्ट का, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिवर्स होगी एक प्रोडक्ट 60 से, और जो राइट टू प्रोडक्ट हमने रिकॉर्ड किया हुआ था 180 का, वो अब खत्म हो जाएगा। सो यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि हमने पहले 97 का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, लेकिन बाद में एक का रेवेन्यू कम कर दिया, तो अल्टीमेटली 96 का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरह हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स 97 प्रोडक्ट की रिकॉर्ड की थी, बाद में एक की रिवर्स कर दी, तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 96 यूनिट्स की रिकॉर्ड हो रही है। सारे पार्ट्स को एक साथ देखते हैं। सो ये जो हमारी इनिशियल एंट्रीज हैं ये तमाम सिचुएशन में पास होंगी, सिर्फ 3 यूनिट जैसे हमने सोचे थे वैसे ही वापस हों तो फिर हमारी पार्ट ए की एंट्रीज हैं। अगर उससे कम यूनिट हों तो हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, और उससे ज़्यादा यूनिट्स वापस करने पड़ जाएँ तो हम रेवेन्यू का रिवर्सल रिकॉर्ड कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।